हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी कुलचा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। कुलचा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा लिया, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच पीटी शक्कर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक, पानी, 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा हरे धनिया और कलंजी, सेकने के लिए बटर। मैदा में पहले पीटी शक्कर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बेकिंग पाउडर, सारे सूखा इंग्रेडिएंट्स पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और जो दही बकर्ड लिया वो भी ऐड कर देती हूँ और पहले मिक्स कर लेती हूँ। और ऑयल ऐड कर देती हूँ पहले अच्छी तरह से मिक्स करके, जितना ज़रूरत पड़ेगा पानी यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से मल मल के डो बना लिया। अभी 1 आवर्स में सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुलचा का डो सेट हो गया। अभी छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। अभी एक पोर्शन लेके मैं बेलूंगी। इसके लिए रोलिंग पैन और बेलन ले लिया। इसे बॉल शेप में बेल के रेडी कर लिया। उसके ऊपर कलंजी और जो हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा था वो स्प्रेड कर देती हूँ और एक बार बेलन से अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। थोड़ा बड़ा साइज ही बेलने का, क्योंकि मैदे का है, निकलने जाएंगे तो सिंक हो जाएगा। ऐसे बना के तैयार कर लेती हूँ। तवा गरम होने के लिए रख दिया। तवा गरम हो गया। अभी जो कुलचा बना के रखा वो ऐड कर देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से सेकने को बाद फ्लिप कर, एक साइड अच्छी तरह से सिक गया, दूसरी तरफ फ्लिप कर लिया, दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सेक के रेडी करूँगी। फिर बटर ऐड करूँगी। देखिए कितना बढ़िया सेक के रेडी हो गया। अभी जो बटर लिया बटर ब्रश कर देती हूँ। बटर थोड़ा मेल्ट कर लिया, फिर ऐड करती हूँ। आप लोग को बटर नहीं पसंद है तो ऑयल से भी कर सकते हैं, बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मैं बटर ऐड किया। प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में बाकी कुलचा को बना के रेडी कर लेती हूँ। मज़ेदार कुलचा बन के रेडी हो गया। टेस्टी कुलचा बन के रेडी हो गया। एक काले चना के सब्जी के साथ मैं सर्व कर लिया। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसे बनाइए, आप लोग का अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।